भगवान कृष्ण द्वारा परम सत्य उपदेश श्री कृष्ण सुविचाराय। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी कृष्ण है और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य विजय असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता। श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार, जगत के पालनहार और धनुर्धनों में श्रेष्ठ अर्जुन जहाँ होते हैं वहाँ निश्चित ही विजय असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए फल की चिंता किए बगैर, समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। श्री कृष्ण राधे राधे।